इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में कई भयानक तस्वीरें, कई दुखद तस्वीरें लगातार मिल रही है। हर तरफ चीख पुकार मच रही है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल का साफ तौर पर कहना है कि हम हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और बस ज़्यादा इंतज़ार करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ भारत साथ दे रहा है इसराइल का, तो दूसरी तरफ भारत में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ उठ रही है। इस मुद्दे को लेकर पहले भी हम डिबेट्स में और इस खास प्रोग्राम में बात करती आए हैं और आज भी कुछ ऐसी तस्वीर नज़र आई है। इसराइल हमास के बीच चल रही जंग में जमियत उलेमा के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी, जिनका बड़ा बयान सामने आया है। सिद्दीकुल्ला ने गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में खड़े होने की खुलकर बात कही है। मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि किसी मुद्दे का समाधान युद्ध नहीं हो सकता, युद्ध से मुद्दे नहीं सुलझेंगे, इसका समाधान बातचीत से ही होगा। उसका कहना है कि हम गाजा के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उनकी जो भी जरूरत होगी, खून या सामग्री, हम उसका इंतजाम करेंगे, हम उनको सब कुछ देंगे। आपको बता दें कि मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार में जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवा विभाग के मंत्री भी हैं। जहां एक तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठ रही है, तो ये पहला मौका नहीं है। भारत में से पहले भी चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी हो, चाहे दानिश अली हो या फिर सीताराम येचुरी हो, ये लगातार आवाज उठाते आए हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करते आए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी दबी आवाज में कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन किया है। तो फिलिस्तीन की जमीन जायदाद को छीना जा रहा है, ऐसा सिद्दीकुल्ला चौधरी का कहना है कि फिलिस्तीन की जमीन जायदाद को छीना जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो इजरायली कई नागरिकों की मौत हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की इसराइल के समर्थन और गाजा फिलिस्तीन के खिलाफ की दोहरी नीति का हम जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल की तारीफ की है जबकि फिलिस्तीन की मुखालफत की है, इसलिए नीति एक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो JNU के पूर्व छात्र नेता शहला रशीद का भी एक बयान सामने आया है। इसराइल हमार संघर्ष पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शैला रसीद ने भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट की घटनाओं को देखते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि भारतीय होने के नाते हम कितने भाग्यशाली हैं। आपको बता दें कि इस हमले में अब तक 2800 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग कर हमला कर दिया था। इसके जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने भी गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में गाजा में अब तक करीब 3000 लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। साथ ही साथ ये युद्ध पता नहीं इसका अंत कब होगा।